हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक होगा। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि 23 के लिए क्या आप प्लान किए हुए हैं हमारे YouTube चैनल पर। तो पहली बात, IIT कर्मा नाम से टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है, वो हर 10 डेज के अंदर ओपन होता रहेगा, उससे जुड़ें जितने भी नए लोग हैं, ठीक है। IIT कर्मा बाय PB सर जो अपने ग्रुप का नाम है, वही टेलीग्राम का नाम है। 10 डेज के अंदर वो एक बार जरूर ओपन होगा, आप उसमें डाउट डाल सकते हैं अपने, पहली बात। दूसरी बात, जो हम कैलकुलस की बुक जिस तरह से लेके आए हैं, आप कैलकुलस की बुक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आंसर है और उसके सॉल्यूशन में लगातार डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं अलजेब्रा की बुक लेके आऊँगा और उसके बाद हम ज्योमेट्री की बुक लेके आएंगे। ये बुक जो है, इनका लेवल जो है ये मेंस लेवल या उससे ऊपर है, कुछ एडवांस लेवल है, मतलब करीबन उसमें 30% एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है और बाकी 70% उसमें मेंस लेवल की प्रॉब्लम है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये बात पूछ रहे हैं कि सर हम लोग 12th क्लास में हैं और हम आपके वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमें ये डर है कि इस तरह से हम अगर चलते आते हैं तो हम बोर्ड की तैयारी कब करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने प्लान कर रखा है कि जो NCERT, क्योंकि NCERT से ही पूछता है, तो NCERT के भी सॉल्यूशन ग्रुप पे आएंगे, जिससे 12th वाले बच्चों के लिए जो 2023 में 12th में भी होंगे और IIT में भी होंगे, उनके लिए कुछ हो पाए जो पिछले साल तक नहीं था। और दिसंबर के बाद जब आप मेंस की अच्छे तैयारी कर चुके होगे, जनवरी में एंड तक एग्ज़ाम दे चुके होगे या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना चाहिए, और कुछ लोग लग जाएंगे कम्प्लीटली फॉर एडवांस, तो मैं उसके लिए भी प्लान कर चुका हूँ कि एक इस तरह का मटेरियल आपके पास होगा जिसमें प्योरली एंड प्योरली हाई क्लास और हाई क्वालिटी के प्रॉब्लम आप फेज आउट कर पाएंगे, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो कम्प्लीटली जो आपके पास, हम लोगों का जो ग्रुप है हमारा, वो ओरिएंटेड रहेगा सभी लेवल के बच्चों के लिए। तो अगर कोई ड्रॉपर बैच में है तो वो ज्वाइन करें, और अगर कोई उसका भाई 11th या 12th में है, उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें सर आपसे पढ़ना ही है। तो बच्चों, ये आपको पहले से पता है कि मैं जो हूँ, मैं माय क्लासरूम पोर्टल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, माय क्लासरूम प्राइवेट लिमिटेड से, और वहीं पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पर भी एक नॉमिनल चार्ज पर जो है ड्रॉपर बैच चालू हो चुका है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें कैलकुलस जस्ट शुरू हो रहा है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस इंक्वायरी के लिए डिटेल दे चुका हूँ, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 11th में भी और ड्रॉपर में भी। 12th में जो है काफ़ी पोर्शन निकल चुका है, तो जो 12th में ज्वाइन करना चाहते हैं 12th की बजाय ड्रॉपर बैच में ज्वाइन करें, उसमें काफ़ी कुछ मैक्सिमम चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। और मैं कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चला रहा हूँ, तो प्लीज़ जो लोग इंदौर के हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो इंदौर के हैं और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप ऑफलाइन पढ़ा दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। कमिटमेंट, हमेशा कमिटमेंट होता है, उसे पूरा करना चाहिए, ठीक है। और रही बात इस YouTube चैनल पे थ्योरी पार्ट को या कंसेप्ट को बताने की, तो मैं समय समय पे, मुझे जहाँ दिखेगा कि नहीं ये एक इस तरह का कंसेप्ट है जो हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो या उसे कोई ना कोई गाइड करे, वो तभी ये कंसेप्ट सीख सकता है। तो हर एक बच्चे का भला पाए, वैसी चीज़ें उसमें लगातार डलती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें वीडियोस को, ठीक है, बुक को शेयर करें, जिससे कि भले ही हो सकता है किसी बच्चे को उस बुक में दिक्कत ना आए, वो YouTube चैनल ना देखें, लेकिन कम से कम उसके पास बुक पहुँचे और वो उसका उससे आंसर निकाल पाए, ठीक है, अपना इम्प्रूव कर पाए अपने सब्जेक्ट को, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से जो जितने भी डाउट कई दिनों से डल रहे हैं वो मैंने क्लियर कर दिया है, और जल्दी ही आपको अलजेब्रा की बुक मिल जाएगी, ठीक है, उसमें 11th का अलजेब्रा और 12th का पूरा अलजेब्रा रहेगा, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D की कंबाइन बुक 3rd नंबर की बुक होगी। दिसंबर में हम एक्सक्लूसिवली JEE एडवांस की बुक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो लगे रहें काम पर, और मुझे उम्मीद है एडवांस का पेपर बहुत सारे लोगों ने बताया है और बहुत सारे लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे मिले हैं, उस पर भी मैं कोशिश करने वाला हूँ एक वीडियो बनाने की। रिजल्ट आने के बाद ही मज़ा आएगा कितने लोगों से मैं मिल पाता हूँ इस साल, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।